आई एम राइट नाउ इन माई फिफ्थ ईयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. लगभग आधी कॉलेज लाइफ मैंने घर पे ही बिताई है. स्टिल देर आर थ्री थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट आई हैव लर्नड इन माई 5 years ऑफ लॉ स्कूल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सपोज कि आप अपने घर पे हो और आप कोई मूवी देख रहे हो. अचानक से आपके एक फ्रेंड का मैसेज आता है दैट ही हैज गॉट एन इंटर्नशिप समवेयर. हो सकता है कि उस मैसेज को पढ़ने के बाद आप वापस से मूवी देखने लग जाओ, बट उसकी जो इंटर्नशिप लगी है ये बात आपके मन में चलती रहेगी. तो दैट्स पॉसिबल दैट आप उस मूवी को कंप्लीट करने के बाद उस फर्म के बारे में जहाँ पे उसकी इंटर्नशिप लगी है उसके बारे में सोचो, या फिर आप खुद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने लग जाओ कहीं पे और समथिंग लाइक दैट. बट डेफिनेटली यू वुड डू समथिंग. बट इमेजिन ए सिचुएशन जहाँ पे आपको ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आता. तो हो सकता है फिर आप मूवी देखने के बाद इंस्टाग्राम चला के सो जाते एंड यू वुड नॉट हैव थॉट अबाउट इंटर्नशिप एट ऑल. यहाँ पे मैं आपको आपके एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ. आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होती है. मतलब अगर मैं अभी आपको सिगरेट कहता हूँ तो आपके माइंड में ये सब इमेजेस घूमने लग जाएगी. उसी तरह से मैं वर्ड कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी तो ये सब कॉइन्स जैसे फिगर्स आपके माइंड में चलने लग जाएंगे. मेरे साथ भी यही हुआ था. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बट मेरे आसपास जो लोग रहते थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, वो दिन भर इन्वेस्टमेंट के बारे में और इन सब चीजों के बारे में बातें करते रहते थे. तो धीरे धीरे उनकी बातें सुन के मैंने भी वजीरएक्स पे अपना अकाउंट खोला एंड आई बॉट क्रिप्टो करेंसीज वर्थ 30,000 rupees. इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह के एनवायरमेंट में रहोगे धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे. लेट मी टेल यू अबाउट ए रिसर्च. इस रिसर्च में ये प्रूव हुआ था कि इफ योर क्लोज फ्रेंड has become obese, then there are 57% chances ki you would become obese too. अब आपके environment से आपके physical level पे इतना changes आ सकता है, तो सोचो mental level पे कितना ज़्यादा affect करता होगा आपका environment. So I hope the first point is clear now. Let's move on to the second learning. कॉलेज में आने से पहले मुझे ये लगता था कि कोई बैंक या SSC CGL टाइप का एग्जाम दे दूंगा और अगर ये कोई एग्जाम भी क्लियर कर लिया तो भी इट वुड बी अ बिग थिंग फॉर मी. बट जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने लास्ट के 5 साल में किसी से भी ये नहीं सुना है कि वो SSC CGL या फिर बैंक का एग्जाम देना चाहेंगे. एक और एग्जाम्पल देता हूँ. कॉलेज में आने से पहले मुझे लगता था कि एज ए स्टूडेंट मनी अर्न करना इम्पॉसिबल है. देयर इज नथिंग सच एज अर्निंग मनी फ्रॉम द इंटरनेट. बट यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि देर वर सम ऑफ माई बैचमेट्स हु वर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज इन कॉलेज इटसेल्फ. वन ऑफ माई बैचमेट्स शाश्वत आशिया इज इनटू डिजाइनिंग एंड किंडल पब्लिशिंग बिजनेस. हिज मंथली प्रॉफिट हैज गॉन अबाउ 6 lakh rupees पर मंथ एंड ही इज करंटली अ 5th year स्टूडेंट एट GNLU. यू कैन सर्च अबाउट हिम ऑन द इंटरनेट इफ यू विश टू. ये सब बताने का पॉइंट मेरा ये है कि इन योर 20s यू शुड आइडियली गो आउट ऑफ योर होम टाउन, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे tier 2 tier 3 सिटीज से बिलोंग करते हो तो. क्योंकि छोटी जगह पे जब आप रहते हो तो वहां पे जो लोग होते हैं उनका वर्ल्ड व्यू बहुत ही नैरो होता है. तो आप भी उनके साथ रहते रहते छोटी चीजें ही एम करने लग जाते हो एंड यू एंड अप नेवर एवर एक्सप्लोइटिंग योर पोटेंशियल. सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग दैट आई लर्नड इन माई लास्ट 5 years. ओके, सो आज से 100-200 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था एजुकेशन के मामले में. मतलब कि सारी किताबें, सारे पढ़े लिखे लोग जो आपको भी पढ़ा सके, एज वेल एज सारे रिसोर्सेज एक छोटी सी जगह में कंफाइंड रहते थे जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते थे. इसलिए तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, हार्वर्ड इतनी फेमस रही और इतनी रेस्पेक्टेड रही इन द पास्ट. बट राइट नाउ फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग उस कन्फाइंड एरिया मतलब उस यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है. अगर अब आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से पढ़ना है तो आप अपने घर पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग दीज 10 video सीरीज बाय हार्वर्ड प्रोफेसर नेम्ड माइकल सैंडल और ये कोर्स पहले केवल हार्वर्ड में पढ़ाया जाता था. बट राइट नाउ मैं ये पूरा कोर्स अपने घर पे भिलवाड़ा में बैठे बैठे आराम से देख रहा हूँ. तो फिर यूनिवर्सिटीज की वैल्यू क्या है अगर सब लर्निंग ऑनलाइन अवेलेबल है? सो वाई शुड यू गो टू ए यूनिवर्सिटी? द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज फॉर द पीपल एंड फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट देयर. एक यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो. यू गेट टू लॉन्च योर ओन स्टार्टअप्स. आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में. यू कैन पार्टिसिपेट इन मैनी स्पोर्ट्स एंड सो ऑन. कई सारे कॉलेजेस तो फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन GNLU वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्पेंडिंग 1 semester इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन जर्मनी, बिकॉज माई यूनिवर्सिटी हैज टाइड अप विद देम. और मेरा प्लान्स भी था जाने का बट कोरोना क्राइसिस के कारण आई कुडंट गो देयर. So the third thing that I've learned is these 5 years are for exploration. Learning आप internet और किताबों से भी ले सकते हो. So ideally you should not be just confined to your books in these 5 years and you should do things, you should explore as much as possible. Because एक बार आप college से बाहर निकल गए तो फिर वो leeway आपको provided नहीं करा जाएगा इस world के द्वारा. So this is all from my side. Do check out the links in description. The things that I put in description would be very beneficial for you. Thanks for watching till the end. Have a great day.